हेलो एलिमेंट कॉमर्स। तो आज शुरू करते हैं न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने से पहले आपको याद रखने पड़ेगा बैलेंस शीट जो मैंने आपको लिखवाई थी। बैलेंस शीट के बारे में एक बार और आपको बता देता हूँ कि जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट किया जाएगा तो उससे हमारी कैपिटल बढ़ेगी और उससे हमारी कैश भी बढ़ेगी। यदि हमने बैंक से लोन लिया है तो बैंक से लोन लेने पर लायबिलिटी यानी कि बैंक लोन बढ़ेगा और प्लस में हमारी कैश भी बढ़ेगी। डेटर्स, यदि हमने डेटर्स को पेमेंट किया है तो यदि डेटर्स ने हमें पेमेंट दिया है तो इसे माइनस करेंगे और कैश को प्लस करेंगे। यदि कोई एसेट्स हमने नगद परचेज की है, नगद खरीदी है, तो उस ही एसेट्स में मान लो बिल्डिंग है, फर्नीचर है, प्लांट है, स्टॉक है, जो भी एसेट्स परचेज की है उस एसेट्स में प्लस हो जाएगा और हमारे पास से जितनी भी कैश है उस कैश में से वह अमाउंट घट जाएगी। यदि बिजनेसमैन ने या व्यापारी ने ड्रेविंग्स किए हैं यानी कि अपने पर्सनल यूज के लिए कोई अमाउंट या जितना भी कैश व्यापार से निकाला है उससे कैश घटेगी और कैपिटल घटेगी। यदि किसी व्यक्ति से उधार माल खरीदा गया है, जैसे गुड्स परचेज फ्रॉम राम, राम से हमने उधार माल खरीदा है, या परचेज गुड्स फ्रॉम राम, राम से उधार माल खरीदने पर हमारे पास गुड्स बढ़ेगा या स्टॉक बढ़ेगा और पैसे लेने वाले यानी क्रेडिटर्स भी बढ़ जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। व्हाट विल बी इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशन। निम्नलिखित अकाउंटिंग इक्वेशन दी गई है, हमें बताना है कि इनका क्या इफेक्ट पड़ेगा। फर्स्ट है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। कोई भी क्वेश्चन करने से पहले एक तरफ एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, या एसेट्स में भी बहुत सारी चीज़ें आएंगी जैसे फर्नीचर है, स्टॉक है, गुड्स है और लाइबिलिटीज में भी बहुत सारी चीज़ें आएंगी जैसे बैंक लोन है, क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट शुरू करते हैं। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, इन्होंने जो है कैश लगाकर बिजनेस शुरू किया 45,000 से। तो जब भी कोई बिजनेस कैश के साथ शुरू किया जाएगा तो उससे हमारी कैपिटल बढ़ेगी और हमारी कैश भी बढ़ेगी। तो एसेट्स में लिखते हैं यहाँ पर कैश और यहाँ पर लिखते हैं कैपिटल और यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट एंट्री बिजनेस स्टार्ट। बिजनेस स्टार्ट कैश लगाया है 45,000 का, तो यहाँ पर लिख देंगे 45,000।
और यहाँ पर लिख देंगे कैपिटल के नीचे लिखेंगे 45,000। और ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ पर लायबिलिटीज को जीरो दिखाकर प्लस में 45,000, क्योंकि लायबिलिटीज अभी तक नील है, हमारे पास लायबिलिटीज कुछ है नहीं, तो ऐसे भी कर सकते हैं। अब इसके बाद अगली एंट्री, ओपन ए बैंक अकाउंट विद ए डिपॉजिट ऑफ 4,500। हमने बैंक में खाता खुलवाया है और उस खाते में, उस बैंक अकाउंट में डिपॉजिट किए हैं 4,500 रुपीज। तो जब हम किसी बैंक में अकाउंट खुलवाएंगे और वहाँ पर कैश जमा करेंगे तो हमारे पास से कैश घट जाएगी और बैंक बढ़ जाएगा, यानी कि ये एंट्री जो है, ये एंट्री एक ही साइड में दो आइटम्स पर इफेक्ट डालेगी। कैसे? अब हमें यहाँ पे कैश के साथ में प्लस करना पड़ेगा बैंक। यदि अगली एंट्री में फर्नीचर आएगा तो फर्नीचर भी इसी में ही ऐड कर देंगे, यदि उससे अगली एंट्री में स्टॉक आएगा तो स्टॉक भी इसमें ऐसे ही ऐड करते चले जाएंगे और ऐसे ही इधर ऐड करते चले जाएंगे। तो हमारे पास बैंक आ गया अब यहाँ पे, तो यहाँ पे बैंक लिख देंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पे लिखा जाएगा ओल्ड ट्रांजेक्शन। और ओल्ड ट्रांजेक्शन लिखी जाएगी ऐसे, ₹45,000 = 0 + ₹45,000। इसके बाद अब एंट्री लिखेंगे यहाँ पे सेकंड, और यहाँ पे लिखेंगे ओपन ए बैंक अकाउंट, और ओपन ए बैंक अकाउंट विद ए डिपॉजिट ऑफ 4,500। और इससे हमारी कैश जो है वो हो जाएगी लेस 4,500 से, और बैंक हो जाएगा प्लस 4,500 से, और इधर जीरो और यहाँ पर भी जीरो, क्योंकि इधर कोई फैक्ट इसका नहीं पड़ेगा। तो अब यहाँ पे ओल्ड ट्रांजेक्शन लिखी जाएगी, ₹4,000 में से 4,500 कटेंगे तो यहाँ पे बच जाएंगे 40,500, और प्लस 4,500 यहाँ पर, और इधर यहाँ पर जीरो, और यहाँ प्लस 45,000 ये ऊपर ले। इसके बाद है लास्ट एंट्री, बोथ गुड्स फ्रॉम मैसर सन एंड कंपनी फॉर 11,200। बोथ गुड्स फ्रॉम, इस एंट्री में नाम आ रहा तो नाम का मतलब होगा कि ये उधार माल खरीदा, बोथ गुड्स फ्रॉम मैसर सन एंड कंपनी, यानी कि सन एंड कंपनी से उधार माल खरीदा है 11,200 का। तो जब उधार माल खरीदेंगे तो उधार माल खरीदने से हमारे पास क्या बनेगा? स्टॉक। तो बैंक के साथ में एक कॉलम हो रहा, इससे लगा जगह स्टॉक का, और उधार खरीदा तो उधार खरीदने पे कैश पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो जीरो हो जाएगी कैश। बैंक में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा तो बैंक भी जीरो, और प्लस स्टॉक बढ़ जाएगा हमारे पास 11,200 से।
इक्वल टू इधर ले साइड में लायबिलिटीज, लायबिलिटीज में बढ़ेंगे क्रेडिटर्स, और क्रेडिटर्स क्योंकि जब किसी से उधार माल खरीद कर ले आएंगे हम तो उससे हमारे क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे 11,200 के, और प्लस कैपिटल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा तो जीरो। जिस चीज़ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा उसके उसके सामने या उसके नीचे जो है जीरो प्लस कर देंगे। और अब यहाँ पे इसके बाद हमारे पास कोई एंट्री है नहीं, तो यहाँ पे फाइनल ट्रांजेक्शन लिखेंगे अब हम। फाइनल ट्रांजेक्शन होगी हमारे 40,500 प्लस 4,500 प्लस 11,200, और यहाँ पे इधर 11,200 प्लस 45,000। और हम देखेंगे कि हमारे दोनों साइडों का टोटल इक्वल है, यदि इक्वल है तो हमारी ट्रांजेक्शन ठीक है। और हमारी सब ट्रांजेक्शन ओके हैं।